तमिलनाडु युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। दक्षिण भारत में इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बता दें, इस मुद्दे को लेकर मक्कल निदिमयम प्रमुख कमल हसन भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। बता दें, कोयम्बटूर में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए हसन ने उदयनिधि भाजपा या किसी अन्य संगठन का नाम लिए बिना कहा कि आज एक छोटे बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने सनातन धर्म के बारे में बात की थी। इससे पहले भी कई नेताओं ने भी अतीत में इसके बारे में बात की है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी के लिए परेशान किया जा रहा है। कमल हसन ने कहा कि सनातन धर्म पर मंत्री की टिप्पणी में कुछ भी नया नहीं है। अभिनेता ने बताया कि उदयनिधि के दादा और दिवंगत डीएमके संरक्षण एवं करुणानिधि जैसे द्रविड़ आंदोलन के कई नेताओं ने भी अतीत में इसके बारे में बात की है। सुधारवादी नेता पेरियार वी रामास्वामी के सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ गुस्से की सीमा को नेता के जीवन से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोगों ने पेरियार के कारण ही सनातन धर्म को समझा। कमल हसन ने आगे बताते हुए कहा कि हालांकि पेरियार एक मंदिर के प्रशासक थे और उन्होंने काशी में पूजा की थी, लेकिन उन्होंने वह सब छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। डीएमके या कोई और पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि पेरियार सिर्फ उनसे संबंध रखते हैं, बल्कि पूरा तमिलनाडु उन्हें अपने नेता के रूप में मानते हैं। साथ ही कमल हसन ने कहा कि वह खुद पेरियार और उनके आदर्शों का बहुत सम्मान करते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। कमल हसन का इस पर कहना है कि भाजपा अपनी सुविधा अनुसार इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर सकता है।